हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, राजनीति में आपकी क्या भूमिका रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, आज आपको एकेडमिक क्या लाभ होने वाला है, शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाएंगे कि अपने देश में शिक्षा करेंगे, और आज आपको क्या करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। माली हालत कैसी रहेगी, दूर देश की यात्रा का क्या योग है, तीर्थाटन देशाटन का क्या हाल है, और शेयर इत्यादि से आज आपको लाभ मिलेगा कि नुकसान होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, और आज आपको किस बिंदु पर सावधानी बरतनी है, उपाय क्या करने, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप इनबॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न लिखें और अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन, आज का कालखंड काफ़ी अच्छा है। आपका जो भी प्रयासरत कार्य है, जो अभी तक आपने प्लान किया है, योजनाएं बना है, यो योजनाएं को सफलीभूत होने का समय आ गया है। आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय आ गया है, और अपने जो भी प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप बौद्धिक व्यक्ति हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु पर अगर आप सोचते हैं तो माइक्रो लेवल पर पॉजिटिव सोचते हैं और माइक्रो लेवल पर निगेटिव सोचते हैं। तो यदि आप पॉजिटिव सोचें तो आपके अंदर उत्साहवर्धन होगा, उत्साह रहेगा, आप किसी भी कार्य को बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपने निगेटिव चैनलाइज हो गए, निगेटिव थॉट प्रोसेस में चले गए, तो आज आपकी भावनाएं थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, मन खराब हो सकता है, निगेटिविटी में जा सकते हैं। तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, जितना अपने को पॉजिटिव चैनलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो अपने को पॉजिटिव ही रखना बेहतर होगा। सकारात्मक सोच आज आपको महान उन्नति करा सकता है, इसलिए सकारात्मक सोच रखें। और जो आपके मित्र मंडली है, जिसके साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वह ध्यान रखना चाहिए कोई पॉजिटिव व्यक्ति, निगेटिव व्यक्ति ना हो। अगर निगेटिव व्यक्ति तो उससे दूरी बना लें, नहीं तो आपको क्षति कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन डील ना करें। साझेदारी में व्यापार करने से आज आपको बचना है, क्योंकि साझेदारी में किया गया व्यापार आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। माता पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, छोटी छोटी बात को लेकर के मन आपका उद्विग्न हो सकता है। तो अपने मन को पॉजिटिव रखें। और आज आप जो भी शेयर के फील्ड में अगर शेयर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शेयर के लिए बहुत बढ़िया है। शेयर के क्षेत्र से आज आपको काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रेडिंग से भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र मिलेंगे जिनके मिलने से आपका मन काफ़ी उत्साहित रहेगा। हेल्थ वेल्थ दोनों आपका ठीक रहेगा। षड्यंत्रकारी विफल होंगे, और जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव सोच के अपने क्षेत्र में लग जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होते तो परेशान ना हो, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि अपने गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, उनको मोदक चढ़ावें, और गौशाला में जाकर अपने हाथ से गाय को आज हरा चारा, हरा मटर खिलावें, आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।